action. पूछ रहा था सुमा काश क्या इतनी नंगी सांस लेकर आप कह रही है काश क्या मैं जानती नहीं आप क्या कहना चाहती है क्या चाहती हूँ मैं यही कि अगर मैं आपकी बहू नहीं होती तो कितना अच्छा होता या फिर तू पैदा ही नहीं होती और भी कितना अच्छा होता ना ऐसा नहीं कहती आप सासुमा मेरा तो जन्म ही आपके लिए हुआ है आपकी सेवा करने के लिए आपकी देखभाल करने के लिए चुपचाप आपके ताने सुनने के लिए काश के मैं ऐसा जवाब देती लेकिन आपको पता है मेरा जवाब क्या है होगा कोई हमेशा की तरह उल्टा जवाब और आप सुन लेती चुपचाप हट मैं क्यों सुन लेती मैं तेरी सास हूँ काश आगे भी कुछ कहना पड़ेगा या आप समझ गई नहीं तू ही बोल देना दिन भर इतनी बकबक जो करती रहती है ये भी तुम ही बोल ले काश आप मेरी सासुमा नहीं हो देखा सासुमा हम दोनों एक दूसरे को कितने समझ में लगी है अरे मेरे दिल की बात मैंने कही मेरे दिल की बात तू मैं कही बात जैसे कि हम दोनों की सोच एक हो गई हो अच्छा हाँ इधर इधर अब मेरी तरफ देख कर बता कि मैं क्या सोच रही हूँ आपका इंफॉर्मेशन तो मुझे बराबर मालूम है आप सोच रही है कैसे इसका मर्डर कर दूं और पकड़ी भी न जाऊं अरे अरे मुझे हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है ऐसे मालूम है अब आप बताइए मैं क्या सोच रही हूँ तो कुछ नहीं सोच रही है हमेशा की तरह ब्लैंक है दरवाजा तुझे अगर खुल दिए मैं खोलू मैं तो ब्लैंक हूँ मुझे कैसे बेल सुनाई देगी लेकिन मुझे सुनाई दी ना वापस बजी नहीं बजी बजी नहीं बजी अरे बजी ना नहीं बजी माँ दरवाजा खोलो अरे आगे देखा देखा पति की आवाज मुझे साफ सुनाई इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ दरवाजा क्यों नहीं खोला मुझे क्या मालूम था कि आप बेल बजा रहे हैं हाँ ये समझी होगी क्या खोलना दरवाजा होगा कोई सास का रिश्तेदार तो ये आपकी रिश्तेदारी तो है इसी एक रिश्ते की वजह से पता नहीं मुझे क्या क्या रिश्ते जोड़ने पड़ रहे हैं और कैसे कैसे लोगों के साथ मुझे लगता है तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बिजी हो मैं बाद में आता हूँ तब तक ये क्या है ये आप लाए हैं मैं लाया हूँ लेकिन ये है क्या ओहो माँ इसे चार कहते हैं पुराने जमाने का है कि राजा महाराजा इसे अपने महलों में रखा तो महलों में रखी जाने वाली चीज तो यहाँ क्यों लाया है आप इतना भी नहीं समझती क्या सजावट के लिए क्या रखेंगे इसमें तू बैठ जा पता नहीं ये लड़का पैसे बर्बाद करना कब छोड़ेगा खा गई ना अभी धोखा था वैसे ये जहाँ कुछ 5 या 10 हजार से कम का ही लगता है लेकिन जानती मुझे कितने में मिला 2 रुपए में मैंने 100 रुपए में इतना सस्ता दरवाजे की इस तरफ रखने के लिए एक इस तरफ रखने के लिए और बीच में तेरा खानदान अब तो हमारा खानदान ही इसका खानदान है माँ जा रहा जिस नीलामी से मैंने ये खरीदा है वहाँ सिर्फ एक ही पेड़ था आप इसे ऑक्शन में खरीद कर लाए हैं करेक्ट एंटीक्स ऑक्शन पुरानी चीजों की नीलामी इस तरह सोच रही हूँ कि 100 रुपए में बजाय जहाँ एक्सचेंज में मिल जाता तो घर जाकर इसे 100 रुपए रख दे मैं बाद में सोचूंगी इसका क्या करना है मैं तो 100 रुपए अभी मैं इसके साथ क्या करूंगी क्या मैं इसे दरवाजे के पास रख दूंगी वेरी गुड तो घर में आने वाले लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि वो कोई पागल खाने में आ गए जी सासुमा ऐसे नहीं कहते अपने बारे में ऐसे नहीं कहते मान लिया कि आपकी हरकतें थोड़ी ऐसी होती होती है लेकिन फिर भी ये अभी इसी वक्त चुपचाप अपने कमरे में चली जाए ये तो चली गई और वो भी चुपचाप ये तो बड़ा चमत्कार हुआ काश ऐसा चमत्कार आपके साथ भी हो जाए चाय भी पीनी हो तो खुद ही बनानी पड़ती है काश कि हमें चाय मिल जाती और काश गरम गरम चाय के साथ गरम गरम पकौड़े मिल जाए
अरे मुझे तो पकौड़ों की खुशबू भी आने लगी। ठीक है, मैं जाकर बाबा से पकौड़े ले आता हूँ, तब तक पूछा। बदमाश, तुमने तो यहाँ सब कुछ रेडी करके रखा है। ये पकौड़े और चाय, ये तो मैंने भी बनाया है। अच्छा, बाले बनाए हूँ मेरी प्यारी से अच्छी सी। नहीं नहीं, शायद मैंने ही बनाया अनजाने में। इतने अच्छे पकौड़े तो मैंने आज तक जैसे कि काश
दोनों हाथ सोने की चुनियों से भर जाए। ऐसे कैसे हुआ? मुझे आपकी आवाज जाने सुने नहीं ठीक से। मैं कहते हाथ कर दूंगी क्या कि मेरे हाथ सोने की चुनियों से भर जाए। कहीं इसका जादू खत्म तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ और ना करें। काश कि इनके हाथ चलने की चुनियों से भर जाए। काश कि इनके हाथ कांच की चुनियों से भर जाए। बड़ी बड़ी चीजें मत मांगो, छोटी छोटी चीजें मांगो। छोटी चीज मांगती हूँ। पहले मैं मांगूंगी। आप क्यों मांगेंगी? पहले मेरा पति आया है। जाट तो मेरा बेटा लाया है। क्या कॉमन बेटे की? मुझे तो पछतावा हो रहा है कि तेरे जैसी बहू को क्यों लाया। काश मुझे बेटे के जगह बेटी होती। माँ बेटा ही नहीं है तू, मेरी बहू की बात की। ऐसी बात है काश कि मेरे पति फिर से अपने रूप में वापस आ जाए। फायदा नहीं वाला। माँ के कहने पर मैं लड़की बनी, तब माँ के कहने पर मैं लड़का बन सकती हूँ। हाँ, मैं तो कहने से रही हूँ। मैं तो क्या कहती हूँ? बिल्कुल नहीं सही है। काश कि मैं आपकी सास बन जाऊं और आप बन जाए मेरी बहू। तुमने क्या कर दिया बुबरानी? अब तो आप देखती जाइए सासू माँ, सबसे पहले तुम्हें यह इनके असली रूप में ले आओ। काश मेरे पति, लेकिन अब तो ये बेटी बेटा बेटा नहीं। मैं कहती हूँ काश रवि वर्मा अपने असली रूप में आ जाए। अच्छा माँ, मैं अभी आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे कल मुझे अब तो अपने असली रूप में आ जा। तू चुप रहो, तू मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है, मुझे बता है। अरे तुझे कोई क्या सिखाएगा? उल्टे घड़े में पानी टिकता है क्या कभी? तो तू क्यों खाली घड़े की तरह पटर पटर कर रही है? अब ऐसे क्या देख रही है मुझे? जा रवि के नाश्ते की तैयारी कर और कल से बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं उन्हें धो ले। और यहाँ आकर मेरे पैर दबा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बहू बहुत हो गया, बाहर जा जा, बाहर जा जा, नहीं तो पछताए। क्या है बेबे? तुम भी आपसे माँ, तुम्हें सारा वेरी गुड रवि बेटे, यू आर रियली ग्रेट। मैं अभी फोन करके रवि के पापा को यहाँ बुला लेती हूँ। है ना रवि की माँ? नहीं ऐसे मत करना, मैं कहती हूँ पापा काश हम दोनों अपने असली रूप में आ जाए। अब बोल बहुरानी, क्या कह रही थी? कपड़े खोलू, खाना बनाओ, काश दरवाजा अपने आप खुल जाए। जान मेरा, जान मेरा, जान मुझे मिल गया, मेरा जान मुझे मिल गया, मेरा जान मुझे हमारा। नहीं नहीं छोड़, ये जान मेरा है। मैं इसे बरसों से ढूंढ रहा हूँ। नीलामी के वक्त पर मैं देर से पहुंचा था और वहीं से मुझे पता चला कि तुम लोग इस जान को ले गए। मुझे मेरा जान चाहिए। अरे जान, यह जान हमारा है। हम क्यों देंगे आपको हमारा जान? मैं इसका अचार डालूंगा। कितने पैसे लोगे? तुमने 100 रुपए में लिया था?
मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, 1000 दूंगा, 10000 दूंगा, मुझे मेरा चार चाहिए, मुझे मेरा चार चाहिए। मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। मंजूर है? अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि तुम इस जान की असलियत जानते हो। हाँ, मैं इस जान की असलियत जानता हूँ, लेकिन तुम इस जान की असलियत नहीं जानते। ये जान अकेला बहुत कमजोर है, सिर्फ छोटी छोटी चीजों को कर सकता है। ऐसा ही एक जान मेरे पास है, जब उन दोनों चारों को मिला दो तो इनकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि तुम सोना, चांदी, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, जो कुछ चाहो हासिल कर सकते हो, जो कुछ चाहो, जो कुछ चाहो। ठीक है, तो वो जार भी हमें दे दो। नो, वर्षों की तलाश के बाद मुझे ये जार मिला है, मैं ये जार नहीं छोड़ूंगा, ये जार मुझे दे दो। नहीं, मेरी एक बीवी है, मेरी भी एक बीवी है, मेरे 3 बच्चे हैं, उनमें से मैं एक की भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मेरा बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, अपाहिज बहन है, उन सबकी दुआएं मिलेंगी तुम्हें। अरे मेरी सास अकेली ही इन सब के बराबर है। हाँ, ए गाड़ी, तुम जाओ ना यहाँ से, हमें कोई जानवर नहीं बेचना है। तुमको चाहिए ना तो मैं छोटी सी नमकदानी लेकर जाओ, जा। ये जान मेरा है, ये जान मेरा है, ये जान मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। स्टॉप, खामोश, शांत। ये लड़ाई झगड़ा कितने देर से कर रहे थे? ये कुछ 20 सेकंड हो रहा है। थैंक गॉड, अगर 10 सेकंड के लिए हम और करते तो ये जार फूट जाता। जार फूट जाता? ऐसे कैसे फूट जाता? इस जार को हिंसा से सख्त नफरत है। अगर इस जार के आसपास लड़ाई झगड़ा 30 सेकंड के लिए भी हो तो ये जार फूट जाता है। तुम सच है? आजमा कर देखना चाहते हो? नहीं। बहुत हो गया, 3 गोलियां चलाने में 3 सेकंड लगते हैं। जी कहना चाहिए काश ये आदमी ही गायब हो जाए। चलो हम जय को कहीं जाकर छुपा दें। इतना बड़ा जा रहे कहा छुपाएगी, इसे कुछ अकल है कि नहीं? आपको बात अकल है ना, तो आप ही छुपा दीजिए जाल को। हर काम मुझे ही करना पड़ता है, मैं तो ऑर्डर देती जाती हूँ। मैंने तो आपको ऑर्डर दी। हाँ, जिससे तू हाथ जोड़कर बिनती कर रही है ना मेरे सामने। मैं क्यों हाथ जोड़कर बिनती कर रही हूँ आपके सामने? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है। ये चार मेरा है, ये जान मेरा है, जान मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खामोश, खामोश, खामोश। घूमते हुए अभी क्या कहकर गया था? क्या कहकर गया था? जी अगर आप दोनों इस जान के सामने 30 सेकंड से ज्यादा लड़ाई करोगे तो ये जान फूट जाएगा। आप बोलिए, जल्दी से कहें, तो मत कीजिए, तू कर, आप कीजिए, तू कर, आप, तू, आप,
ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई नी वक्त की पाबंदी में तू तू मैं करना हाँ कुछ मजा ही नहीं आता अभी शुरू हुई और भी खत्म हो गए तू तो ऐसे घुट घुट कर मर जाएगी हाँ अभी कितनी बीमार लगने लगी है आजकल तो मुझे उल्टे जवाब देना बंद कर दे हाँ आप ही मुझे ताने मत दीजिए हाँ मैं कब कुछ ताने देती हूँ तो आपको उल्टे जवाब दिए ये देख तेरी जबान है ना कैची की तरह चलती रहती है आप तो क्लियर होती रहती है उससे जाना होगा मैं कहीं जाऊँ जाना होगा नहीं